स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है मोशन ऑफ टू कोएक्सियल सिलेंडर। आपने डिस्कस करना है मोशन किसके अंदर है। आपके पास दो सिलेंडर दे रखे हैं जिनका एक्सिस क्या है, सेम है, ठीक है। तो लेटेस्ट कंसीडर टू कोएक्सियल सिलेंडर ऑफ रेडियाई ए एंड बी। हमारे पास दो सिलेंडर लेके चले हैं, एक की रेडियस आपके पास ए है और दूसरी रेडियस आपके पास बी है। ए आपके पास लेस देन बी है, तो दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको फिल्ड किया आपने लिक्विड से, जिसकी डेंसिटी आपको रो दे रखी है। उसके बाद दोनों हमारे पास एक तो वेलोसिटी यू से मूव कर रहा है भी, और दूसरा आपके पास भी, दोनों 90 डिग्री एंगल के ऊपर हैं, ठीक है। द बाउंड्री कंडीशन फॉर द वेलोसिटी पोटेंशियल फाइव विच इज द सोल्यूशन ऑफ डेल स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास बाउंड्री कंडीशन गिवन है वेलोसिटी पोटेंशियल के लिए, जो सोल्यूशन है किसका, लाप्लास इक्वेशन डेल स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो पहली कंडीशन गिवन आपके पास माइनस में करली फाइव बाई करली आर इज इक्वल टू यू कोस थीटा आर इज इक्वल टू ए, यानी कि जब आपके पास आर रेडियस ए के बराबर होगा तब हमारे पास करली फाइव बाई करली आर क्या होगा, यू कोस थीटा माइनस में करली फाइव बाई करली आर इज इक्वल टू वी को साइन थीटा। कब, जब आपके पास आर इज इक्वल टू बी, यानी कि जब आपके पास आर रेडियस बी के बराबर होगा। ये आपके पास दो सिलेंडर, एक तो हमारे पास सिलेंडर ही आ जाएगा आर इज इक्वल टू ए रेडियस का, और ये हमारे पास आर इज इक्वल टू बी रेडियस का। यू वेलोसिटी होगी हमारे पास ये, तो यू कोस थीटा हो जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आर इज इक्वल टू बी होगा, तब आएगा आपके पास माइनस में करली फाइव बाई करली आर इक्वल टू वी साइन थीटा। तो आप फाइव मान के चलेंगे, तो वो फाइव क्या होगा, हमारे पास फाइव लेके चलोगे आप ए आर प्लस में बी बाई आर कोस थीटा प्लस में सी आर प्लस में डी बाई आर साइन थीटा। जब हमारे पास एक सिलेंडर होता था तो हम सिर्फ इतना लेके चलते थे भाई, लेकिन इसके अंदर आप इस तरीके से मान के चलोगे हमारे पास दोनों होंगे, कोस थीटा भी और साइन थीटा भी। इक्वेशन नंबर थ्री आ जाएगी। करली फाइव बाई करली आर निकालिए यहाँ से, आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से आर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा भाई माइनस में बी अपॉन में आर स्क्वायर आ जाएगा कोस थीटा प्लस में सी माइनस में डी अपॉन में आर स्क्वायर साइन थीटा। इक्वेशन नंबर वन और टू का यूज करोगे आप इस इक्वेशन के अंदर, तो जब पहले इक्वेशन में यूज करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस में यू कोस थीटा। कब था ये, जब आर इज इक्वल टू ए पे, तो आपने आर की जगह क्या पुट करना है, ए पुट करना है। ये आ जाएगा आपके पास ए माइनस में बी अपॉन में ए स्क्वेयर कोस थीटा प्लस में सी माइनस में डी अपॉन में ए स्क्वेयर साइन थीटा। अब आप सेकंड इक्वेशन का यूज करोगे तो सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, करली फाइव बाई करली आर वी कोस साइन थीटा के बराबर। तो ये आ जाएगा माइनस में वी साइन थीटा इज इक्वल टू ए माइनस में बी अपॉन में आर की जगह आपने क्या पुट करना है, बी। तो ये आ जाएगा आपके पास बी स्क्वेयर कोस थीटा प्लस में सी माइनस में डी अपॉन में बी स्क्वेयर साइन थीटा। कोएफिशिएंट कंपेयर करिए आप यहाँ से, कोस थीटा और साइन थीटा के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से कोस थीटा यहाँ भी कोस थीटा भी क्या आ जाएगा, ए माइनस में बी अपॉन में स्क्वेयर किसके बराबर होगा, माइनस में यू के, और सी माइनस में डी अपॉन में स्क्वेयर यहाँ पे साइन थीटा है नहीं तो किसके बराबर होगा, जीरो के। सेम आप इस क्वेश्चन में करेंगे तो हमारे पास कोस थीटा इस साइड है, इस साइड कोस नहीं है अभी, तो किसके बराबर आ जाएगा, ए माइनस में बी अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू जीरो, और ये आ जाएगा आपके पास सी माइनस में डी अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू माइनस में वी। आप इन चारों क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो हमारे पास ए और बी ए बी सी डी वैल्यू आ जाएंगे आपके पास। तो ए तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस में यू ए स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। बी आ जाएगा आपके पास माइनस यू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर अपॉन में ए माइनस बी स्क्वेयर। सी आ जाएगा आपके पास वी बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर, और डी आ जाएगा आपके पास वी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब ए बी सी डी की वैल्यू आप किस नंबर थ्री के अंदर पुट करोगे, ए बी सी डी वैल्यू आप किस नंबर थ्री के अंदर पुट करोगे तो हमारे पास किस नंबर थ्री है वो क्या आ जाएगी, फाइव इजिकल टू आ जाएगा माइनस में यू ए स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आर प्लस में बी स्क्वेयर बाई आर कोस थीटा प्लस में वी बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आर प्लस में ए स्क्वेयर अपॉन आर साइन थीटा। यहाँ से आपने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये माइनस हट जाएगा भी, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर आ जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन ले तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, अब आपके पास फाइव तो आ गया, आपने साई निकालना है, तो साई के लिए आप सी आर इक्वेशन का यूज करोगे। सी आर इक्वेशन क्या होता है आपके पास, करली फाइव बाई करली आर इज इक्वल टू वन बाई आर करली साई अपॉन में करली थीटा। तो करली साई अपॉन में करली थीटा क्या हो जाएगा, आर करली फाइव अपॉन में करली आर, फाइव हमारे पास यहाँ रहा, इसका आप आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा यू स्क्वेयर अपॉन में बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर आर माइनस में बी स्क्वेयर आर कोस थीटा माइनस में वी बी स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर आर माइनस में ए स्क्वेयर अपॉन आर साइन थीटा। अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे भाई, इंटीग्रेशन करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास साई आ जाएगा यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर आर माइनस में बी स्क्वेयर अपॉन आर कोस क्या हो जाएगा, माइनस साइन, यहाँ साइन थीटा आ जाएगा आपके पास।
वी बी स्केयर बी स्केयर माइनस ए स्केयर आर माइनस में ए स्केयर अपन में आर कोस थीटा। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके पास फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में आ गया था और साई आपके पास क्वेश्चन नंबर सिक्स में, तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होता है आपके पास डब्ल्यू इज इक्वल टू फाइव प्लस में आईटा साई। फाइव और साई की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिए आपके पास कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आ जाएगा।